स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि आईटीआई एडमिशन का जो प्रोसेस है सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से चल रहा है। एनसीवीटी mis.gov.in पर आईटीआई चेक भी कर सकते हैं। प्लस मैं बता दूँ कि जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉलेज पर जाइए। यहाँ से आपको कॉलेज का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ मिल जाता है। आप डायरेक्टली कॉलेज पर जाइए, कॉलेज को देखिए, वहाँ की वर्कशॉप देखिए, प्लस अगल बगल से पता कीजिए, जो कोई वहाँ का पुराना कैंडिडेट मिल जाए तो उससे रिव्यू लीजिए कि आईटीआई कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, और क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से फीस का क्या हिसाब है, मतलब कैसे फीस लेते हैं। ऐसा तो नहीं है शुरू में आपको बोलते हैं कि यार हम आपसे 28,000 रुपये लेंगे और जब आप आईटीआई पास होते होते आपको 50,000 रुपये देने पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि आप बीच में फंसते हैं एजेंट। एजेंट नाम आप सुने होंगे, हर जगह एजेंट होते हैं। कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको कुछ एजेंट मिलते हैं जो आपको लुभावने ऑफर्स देते हैं, वो आपको बहकाते हैं। वो आपको कहेंगे हम आपका 10,000 में आईटीआई करवा देंगे, कहेंगे 5,000 में आप ऐसा आईटीआई करवा देंगे, या और भी तरह तरह के वादे करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप लालच में आ जाते हैं, डायरेक्टली कॉलेज पर ना जाके किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और एजेंट जो है आपका एडमिशन जिस कॉलेज में कराएगा वहाँ से अपना कमीशन लेता है और वो निकल जाता है। बाद में जितनी भी दिक्कतें मुसीबतें होती हैं आपको झेलना पड़ता है। फिर आप कॉलेज को दोष देते हैं कि हमारा ऐसा हो गया, हमारी तो इतना में एडमिशन था, हमें तो ये फीस देनी थी, हमें तो वो फीस देनी थी। कॉलेज आपसे कोई और फीस मांगेगा, एजेंट आपको कुछ और फीस बताया होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कहीं भी आईटीआई का एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज पर डायरेक्ट जाइए, कॉलेज पर वहाँ मिलिए, वहाँ अपनी फीस तय कीजिए, जो भी फीस है उनसे डायरेक्टली बात करिए। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी ना रहे, कॉलेज देख लीजिए है कि नहीं कैंपस, ठीक है, क्योंकि अक्सर बीच में सुनने में भी आता है कई बार कि आईटीआई है ही नहीं, कागजों पर है। तो इन सब चीज़ों को आप एडमिशन से पहले ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, वहाँ के पास आउट बच्चों से वहाँ की जानकारी ले लीजिए, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। प्लस आप आईटीआई कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को ये जानकारी ज़रूर दें कि वो एडमिशन किस कॉलेज में ले रहे हैं, वहाँ जाके कॉलेज को एक बार जरूर देख लें कि वो कॉलेज वहाँ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, और फीस भी एडमिशन की समय पर उनसे तय कर लें, सही तरीके से बातचीत कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं हो जाएगा, चलो देख लिया जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो ये मेन मेरा मोटिव था थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करने का कि आप बचिए चीज़ों से, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं, सर हमारा तो 50,000 लग गया, हमारा तो सर 60,000 लग गया, हमारा तो इतना फीस ले लिए। तो जो भी फीस है सब कुछ आप एडमिशन के समय पर बात करके क्लियर कर लीजिए। और फाइनली लास्ट में फिर मैं बोलूँगा, खुद जाइए, खुद कॉलेज देखिए, खुद वहाँ के प्रिंसिपल से बात कीजिए, जो कुछ भी है खुद करिए, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे तो आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही, कोई भी मतलब मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, बस आप लोगों को अवेयर करना है। आपको पता है किसी भी आप विभाग या कहीं भी जाते हैं तो आपको एजेंट मिलते हैं, और एजेंट जो है हमेशा अपने कमीशन के लिए काम करते हैं, और वैसे में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप खुद जाइए, अपने आंखों से कॉलेज को देखिए और अपना सब कुछ देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। इस वीडियो में इतना ही, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए वीडियो मैंने बनाया था, किसी के मन को ठेस पहुंचाने या किसी को डिफेम करना या किसी पर मैं कोई आरोप लगाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। थैंक यू।